पूरी पारदर्शिता के साथ होगी मतगणना। जिला निर्वाचन अधिकारी, अभ्यर्थी, अभिकर्ता और पत्रकारों के साथ बैठक। विधानसभा निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ, अब 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी, अभिकर्ता और पत्रकारों के साथ बैठक की और आयोग की दिशा निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले की 5 विधानसभा करेरा, पोहरी, शिवपुरी, पिछोर व कोलारस की मतगणना शासकीय पीजी कॉलेज शिवपुरी में होगी। मतगणना प्रातः 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रातः 8 बजे पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी। सभी अभ्यर्थी और उनके एजेंट को आयोग के निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें एजेंट की भूमिका बताई गई। प्रत्येक कक्ष में रहेंगे 16 टेबल। मतगणना के लिए विधानसभा बार प्रत्येक कक्ष में 16-16 टेबल लगाई गई हैं। शिवपुरी विधानसभा के पोस्टल बैलेट के लिए 4 टेबल और पिछोर के लिए 3 टेबल और बाकी विधानसभा के लिए पोस्टल बैलेट के लिए 2-2 टेबल रहेंगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिसमें SAF पुलिस और CAPF का फोर्स तैनात रहेगा। मतगणना में लगे अधिकारी, कर्मचारी, मतगणना एजेंट और मीडिया प्रतिनिधियों को प्रवेश पत्र के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना स्थल में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। बीड़ी, सिगरेट, किसी भी प्रकार का धूम्रपान प्रतिबंधित रहेगा। सर, आज जो मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ कारण रहा है? नहीं, बेसिकली जो मतगणना की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके बारे में था। अब इसे जस्ट पहले जो अभ्यर्थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ था, तो उनको जानकारी दी और हमारी जो तैयारियां हैं उसके बारे में मीडिया को भी हम अपनी जानकारी देना चाह रहे थे, तो उसी की है कि हम हमारी कैसी तैयारी है। उसको विचार करेंगे स्कूल का।